अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। महक बघेल हुकूमत बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम अलीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के PSB हॉल में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन चैम्पियनशिप का शानदार आगाज हो गया। चैम्पियनशिप में पाकिस्तान भर से नामवर मेल और फीमेल खिलाड़ियों की शिरकत। बैडमिंटन चैंपियनशिप का इफ्तिताह सेक्रेटरी के मोहम्मद इसहाक जमाली ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल के दुरा बलोच, पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के चेयरमैन मलिक निसार अहमद और जनरल सेक्रेटरी राजा असर महमूद समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी राजा असर महमूद का कहना है कि इवेंट में नेशनल चैंपियन मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऑल ओवर द कंट्री जो है वो तमाम सूबों से, तमाम डिपार्टमेंट से जो एफिलेटेड यूनिट्स हैं हमारे, वापडा है, पुलिस है, आर्मी है, इसके अलावा जितने भी एफिलेटेड यूनिट्स हैं उनके प्लेयर्स तक लगभग तकरीबन 200 के करीब समझेंगे यहाँ पे शटलर्स जो हैं वो आए हैं। अपने टाइटल का दिफा करने वाले कौमी खिलाड़ी मुराद अली और रमासार कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कौमी खिलाड़ी इरफान सईद ने बलूचिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहा और कहा कि खेल के फरोग के लिए कौमी सतह के साथ साथ बैन अक्वामी सतह पर टूर्नामेंट जरूरी है। इन्होंने जो पिछली दफा भी टूर्नामेंट करवाया था वो भी मैं जीता था, तो इंशाल्लाह अपने टाइटल का जो है ना दोबारा कोशिश करूँगा कि मैं ये टाइटल दोबारा अपने नाम पे करूँ। माशाल्लाह क्वेटा में जो सबसे बड़ी बात जो है ना, जो मेहमान नवाजी करते हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जो बार बार आते हैं हमसे पूछते हैं कोई चीज़ की खिदमत हो, तो माशाल्लाह वो हमारे बहुत ख्याल रख रहे हैं। क्वेटा में रैंकिंग हो रही है और यहाँ हमारी काफ़ी कोशिश है कि यहाँ भी मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ। लास्ट टाइम भी 2018 में यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था और मैं जीता था, और यहाँ का एटमोसफेयर और फैसिलिटीज़ हर चीज़ बहुत अच्छी है। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली कौमी खिलाड़ी अर्जा तारीख का कहना है कि कौमी सतह के खेलों के इनेकाद से बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी साहितों को निखारने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ही सूबे में ना नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। पहले तो ऐसा था कि जब दूसरे शहरों में होती थी तो हमारे जो बलूचिस्तान की लड़के लड़कियाँ थी वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि अलग अलग मसले होते थे। अब तो अपने शहर में तो अब काफ़ी लड़कियों ने और लड़कों ने बलूचिस्तान के ने यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपनी बहुत सब अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और काफ़ी लोग आए। वैसे इतने बलूचिस्तान के लोग नहीं आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सूबे में ये, मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे सूबे में हर नेशनल रैंकिंग जूनियर सीनियर सब हुआ करे। खिलाड़ियों के दरमियान टाइटल के हासिल के लिए कांटेदार मुकाबले 30 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। महक शाहिद, क्वेटा।